हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियानंदन मिश्रा आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रियो नॉलेज शेयरिंग में स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जब भी मैं वीडियो डालूँगा तब आपको उसका नोटिफिकेशन। आज का टॉपिक है एयर एंड वाटर, क्लास 3 सीबीएसई चैप्टर 8। टुडेज टॉपिक इज एयर एंड वाटर, ये सीबीएसई स्टैंडर्ड 3 चैप्टर 8 का है। पहले देखेंगे एयर। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू सर्वाइव। हवा सभी जगह में मौजूद है और ऑल लिविंग थिंग्स, जितना भी लिविंग थिंग्स है उनको जिंदा रहने के लिए एयर की आवश्यकता है। वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील इट। एयर को हम अभी देख नहीं सकते लेकिन उसको जरूर महसूस कर सकते हैं। जब भी हवा मूव करता है, चलता है, बहता है तब हमको जरूर फील होता है। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग, बर्निंग, सेलिंग बोट्स, फ्लाइंग काइट्स एक्सेट्रा। एयर बहुत सारा चीज़ें के लिए ज़रूरत होता है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रीदिंग, सांस लेना। सांस लेने के लिए वो एयर की आवश्यकता है, और जलाने के लिए, बोट चलाने के लिए, और पतंगे उड़ाने के लिए, ये सब के लिए भी एयर की जरूरत है। द थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फियर। हमारा पृथ्वी के ऊपर एक मोटा का एक लेयर है एयर का, एयर का एक मोटा सा लेयर है, उसको हम एटमोस्फियर बोलते हैं। एयर इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। एयर सभी गैसों का मिश्रण है, उसमें मिलके है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसमें से वाटर वेपर भी है जो जली वाष्प बोलते हैं, वो सब एयर के अंदर मौजूद है। देन वाटर, लाइक एयर वाटर इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स फॉर सर्वाइवल। जैसे कि हमको ऑल लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए हवा की सख्त ज़रूरत है, ऐसे भी पानी का भी सख्त ज़रूरत है। पानी के बिना जिंदा रहना संभव ही नहीं है। वी गेट वाटर व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई एज रेन एंड फील्ड्स ऑफ ओशन, सीज, रिवर, पॉन्ड्स, ऑल्सो वी गेट फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड। हमको पानी कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हमको मिलता है पानी? जब भी बारिश होता है तब क्या कहता है ना, ओशन, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये सब में पानी भर जाता है, तो उसमें से हम पानी मिलेगा। दूसरा और कहाँ से मिलेगा? जो बारिश होता है कुछ पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है, तो हम ग्राउंड से भी पानी ले सकते हैं, जैसे कि हम ट्यूबवेल से लेते हैं और बोरिंग करके भी लेते हैं, तो उसमें से भी मिलेगा। वाटर हैज नो फिक्स्ड शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इन व्हिच इट इज पुट। पानी का कोई शेप नहीं है, फिक्स शेप नहीं है, वो जो भी जगह में रहता है वो उसका आकार ले लेता है। जैसे कि हम बकेट में रखेंगे तो बकेट का आकार ले लेगा, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आकार ले लेगा, तो हम जो भी एक बाउल में रखेंगे तो बाउल का ले लेगा, तो जो भी हम एक वेसल में रखेंगे तो उसका से वो ले लेगा। वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर का 3 फॉर्म है, एक सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस, लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड वाटर, गैस फॉर्म इज कॉल्ड वाटर वेपर। जो वाटर का सॉलिड फॉर्म है उसको आइस बोलेंगे, जो बर्फ बोलते हैं। लिक्विड फॉर्म जो है वो वाटर ही है, पानी। गैस फॉर्म जो है वाटर वेपर, मतलब जले वाष्प। ऑन हीटिंग और कूलिंग वाटर चेंजेस इट्स स्टेट। ये कप ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज होता है, ये इधर गर्म करने से या ठंडा करने से। अगर पानी को हम गर्म कर लेंगे वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चला जाएगा, मतलब वाटर से वाटर वेपर बन जाएगा। और जो अगर हम उसको कूल करेंगे, अगर पानी को वाटर को अगर ज़्यादा ठंडा करेंगे, 0 डिग्री तक ले आएंगे, तो
वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब आइस हो जाएगा। देन वाटर साइकिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन वाटर साइकिल आर इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द ओशियंस, सीज, रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स, द वाटर हीट्स अप एंड इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड इट राइजेस अप। देन द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वेपोरेशन। जब सन का जो रे है, सूर्य किरण जो है, वो जब पानी के ऊपर पड़ता है, जो ओशियन का, सीज का, रिवर्स का, पॉन्ड्स का, लेक्स का जो पानी के ऊपर पड़ता है, तो क्या होता है ना, गर्म हो जाता है। पानी गर्म होने के बाद, ज्यादा गर्म हो जाता है जब, उसके बाद वो वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो वाटर वेपर बन जाता है, वो हल्का हो जाता है, वो फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। ये जो प्रोसेस है, मतलब जो वाटर से वाटर वेपर जो प्रोसेस है गर्म की वजह से जो हुआ, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। हाई अप द स्काई द वाटर वेपर कम इन कॉन्टैक्ट विथ कूल एयर। स्काई में ज्यादा के ऊपर में क्या होता है ना, जो वाटर वेपर ऊपर गया, तो वाटर वेपर क्या होता है ना, ठंडा हवा के कॉन्टैक्ट में आता है। जब वो ठंडा हवा के संस्पर्श में आता है, तो क्या होता है, वो टीनी वाटर ड्रॉपलेट में बन जाता है, छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। द चेंज ऑफ वाटर वेपर इन टू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन। ये जो वाटर वेपर से छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट को कन्वर्ट हो गया ठंडा की वजह से, इसको कंडेंसेशन बोलेंगे। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, ये सब मिलके क्लाउड बनाते हैं। ऑन फर्दर कूलिंग द टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट्स इनसाइड द क्लाउड्स। ये जो छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स है, या छोटा छोटा जब मिल जाते हैं ना, तो बड़ा बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं, बड़ा बड़ा साइज का हो जाते हैं, फिर वो हेवी हो जाता है। द क्लाउड बिकम वेरी हेवी एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन एज रेन। जब ये क्लाउड के अंदर छोटा छोटा ड्रॉपलेट मिलके बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा ड्रॉपलेट भारी हो जाता है, फिर ऊपर नहीं रहता, वो नीचे गिर जाता है। वो जब गिरता है, ये प्रोसेस को बोलेंगे, दिस इज नोन एज प्रिसिपिटेशन, इसको प्रिसिपिटेशन बोलेंगे। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज इन टू आइस एंड कम डाउन एज स्नो। कुछ कुछ जगह है बहुत ठंडा है, उसमें वो जगह में क्या होता है ना, वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होकर क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो नीचे गिरने लगता है, उसको हम बोलते हैं स्नो। द रेन अगेन फ्रीज द रिवर, पॉन्ड, सीज, लेक्स। क्या होता है, जब वो बारिश होना शुरू होता है, बारिश के बाद क्या होता है ना, पानी फिर से हमारा जो रिवर्स, पॉन्ड, सीज, लेक्स, इसमें भर जाता है। द कंटिन्यूस चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये जो कंटिन्यूस वाटर का जो स्टेट टू स्टेट चेंज होता है नेचुरल प्रोसेस में, इसको वाटर साइकिल कहते हैं। नीचे में देखिए, जो लेफ्ट साइड जो फिगर है, वाटर साइकिल लिखा है। वन, पहला प्रोसेस क्या है, इवेपोरेशन, वाटर से वाटर वेपर बनता है बाय हीटिंग, गर्म होके। नेक्स्ट क्या होता है, इवेपोरेशन के बाद वो जो होता है वाटर वेपर छोटा छोटा ठंडा होके छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर ये जो छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर क्लाउड बनाते हैं, फिर वो छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट मिलकर बड़ा बड़ा वाटर ड्रॉपलेट हो जाता है, तो वो भारी हो जाता है, फिर बरसने लगता है, तो उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। फिर जब बारिश हो जाता है, वो पानी कहाँ जाएगा, फिर हमारा जो रिवर, पॉन्ड, सीज, लेक्स, ये सब में आके कलेक्शन हो जाएगा, उसको बोलेंगे कलेक्शन। ये जो प्रोसेस है, फिर क्या होगा, कलेक्शन से फिर इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, फिर कलेक्शन। ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। राइट साइड में देखिए, जो एनिमेशन में पहले देखिए, जो कलेक्शन टाइम में, जो कलेक्शन में जो पानी है, जो सीज का पानी है, वो इवेपोरेशन हो रहा है सन का हीटिंग की वजह से। उसके बाद वो कहा जाता है कंडेंसेशन होता है, क्लाउड बनाता है, फिर क्लाउड में टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, वो बड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर भारी हो गया, नीचे
बरसने लगता है, उसको प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। फिर वो पानी कहाँ आता है, कलेक्शन, मतलब वो चीज को फिर से आके कलेक्शन हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो इसमें और किसी का डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका डाउट क्लियर कर लूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल में।